गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ उमा पालीवाल फ्रॉम वर्धमान कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। इन लास्ट क्लास वी हैड रीड लेसन 1 ऑफ इंग्लिश, न्यू किंग ऑफ जंगल। ओके, हम लास्ट क्लास में लेसन 1 न्यू किंग ऑफ जंगल का फर्स्ट चैप्टर पूरा रीड कर चुके थे और समझ चुके थे। ओके, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज। टेक आउट योर इंग्लिश बुक। ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 8। ओके, आपको बुक निकालनी है इंग्लिश की। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, टिक द करेक्ट आंसर। राइट, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, जो इसमें से ऑप्शन करेक्ट लगेगा उस पर हमको टिक करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट दिया हुआ है, देयर लिव्ड अ जैकाल इन अ डैंस। है ना, जो जैकाल था वो कहाँ रहता था? डैंस, बश, फॉरेस्ट, विलेज। कहाँ रहता था? फॉरेस्ट में। तो आप यहाँ पर राइट टिक करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज न्यू किंग वॉज। न्यू किंग कौन था? डॉकी, लकी या जैकी? कौन था? जैकी। तो हम कहाँ पर राइट टिक करेंगे? जैकी पर। ओके, नाउ थर्ड वन इज जैकी वॉज रोमिंग इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ। किसके लिए घूम रहा था वो जंगल में? शेल्टर के लिए, फूड के लिए, या बोथ ऑफ देम? किसके लिए घूम रहा था? फूड। है ना, दैट्स वाई हम यहाँ पर क्या करेंगे? राइट का टिक लगाएंगे। ओके, नाउ फोर्थ नंबर, पेज नंबर 9। ओके, पेज नंबर 9 पे देखेंगे आप, सबसे ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है, जैकी डिसाइडेड टू ट्राई हिज लक इन द। जो जैकी था वो अपना लक कहाँ पर ट्राई करने वाला चाहता था? कहाँ पर करने का डिसाइड किया था उसने? टाउन में, सिटी में या विलेज में? कहाँ पर डिसाइड किया था? विलेज। तो हम क्या करेंगे? विलेज पर राइट लगा देंगे। ओके, नाउ बी पार्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो फर्स्ट दिया है आपको फिल इन द ब्लैंक्स का, जैकी वॉज मच डैश ऑफ हीज कनिंगनेस। है ना, जैकी को किस पर कनिंगनेस था उसकी? है ना, किस पर था? क्या था कनिंगनेस से पर? क्या था उसको? प्राउड। है ना, उसको अपनी चतुराई पर बहुत प्राउड था। पी आर ओ यू डी, प्राउड। सेकेंड डे, जैकी वॉज वेरी, क्या था जैकी? बहुत कनिंग था। है ना, चालाक था। हंगर वॉज डैश ही मैड। हंगर उसको क्या बना रही थी? मैड। तो क्या आंसर आ जाएगा? ड्राइविंग, डी आर आई वी आई एन जी। फोर वन इज देयर वॉज अ स्मॉल विलेज जस्ट डैश द फॉरेस्ट। है ना, फॉरेस्ट के जो स्मॉल विलेज था वो फॉरेस्ट के जस्ट कहाँ था? आउटसाइड। है ना, ओ यू टी एस आई डी ई, आउटसाइड। फिफ्थ नंबर इज इफ एनी विलेजर डैश हिम ही वुड श्योरली डैश हिम। है ना, अगर किसी विलेजर ने उसको क्या किया? नोटिस्ड, एन ओ टी आई सी ई डी, नोटिस्ड। ही वुड श्योरली किल हिम। है ना, वो उसको क्या करेगा? श्योरली मार देगा, के आई डबल एल, किल। ओके, नाउ सी पार्ट इज राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। ओके, आपको जो स्टेटमेंट इसमें से सही लगेगा उसके आगे हम टी लिखेंगे। है ना, जो फॉल्स लगेगा उस पर एफ लिखेंगे। ओके, फर्स्ट है, जैकी लिव्ड इन अ टाउन। क्या जैकी टाउन में रहता था? नो, फॉल्स। है ना, वो तो डेंस फॉरेस्ट में रहता था। सेकेंड वन इज जैकी वॉज हंग्री बिकॉज ही कुड नॉट गेट एनी फूड। है ना, जैकी हंगरी था क्योंकि उसे कुछ भी फूड नहीं मिल पा रहा था। है ना, तो ट्रू। जैकी न्यू दैट द स्ट्रीट डॉग्स माइट अटैक हिम। है ना, जैकी को पता था कि जो स्ट्रीट डॉग्स है ना, वो उस पर अटैक कर सकते हैं, पता था उसे? ट्रू, पता था। ओके, जैकी वॉज क्लेवर, जैकी क्लेवर था, ट्रू। जैकी रेन फास्ट बट द डॉग्स कॉच हिम।
जो जैकी जैकी बहुत तेज भागा लेकिन फिर भी डॉग्स ने उसे कैच कर लिया था क्या? नहीं, फॉल्स. ओके, नाउ डी पार्टीज मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट नंबर ए, ही वॉज सो हंग्री, है ना. ही वॉज सो हंग्री दैट ही हैड टू टेक द रिस्क, है ना. वो बहुत भूखा था इसलिए उसने क्या किया था, रिस्क लिया था, है ना, विलेज में जाने का. द डॉग सो हिम एंड बिगिन टू बार्क. द डॉग्स ने उसे देखा और उसे बार्क करना स्टार्ट कर दिया. तो वन का सी वाला आएगा, ही हैड टू टेक द रिस्क. सेकेंड का आएगा डी वाला, एंड बिगिन टू बार्क. थर्ड वन इज जैकी एज ही वॉज, है ना, हाइडिंग इन अ डार्क कॉर्नर. जैकी कहाँ छुपा था? हाइडिंग इन अ डार्क कॉर्नर, एक डार्क कॉर्नर में हाइड हो गया था वो, है ना. तो थर्ड का आएगा ई. फोर्थ वन इज ही क्विकली रिटर्न टू द जंगल. वो जल्दी से कहाँ रिटर्न हो गया था? जंगल, है ना. तो फोर्थ का आएगा बी. फिफ्थ नंबर है सम एनिमल्स स्टॉप्ड रनिंग. कुछ एनिमल्स एनिमल्स भागना बंद हो गए थे, है ना, स्टॉप हो गए थे. ओके, ये हमारी एक्सरसाइज हो गई, है ना. अब नेक्स्ट क्लास में अब हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ओके, तब तक आपको यह बुक में अच्छे से कर लेना है, इसको कंप्लीट करना है. ओके स्टूडेंट्स.